मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के निवास स्थान का घेराव करेंगे आज कांग्रेसी कार्यकर्ता। जी हां, बड़ी संख्या में कांग्रेसी यूथ जो कार्यकर्ता है किसानों के लाठीचार्ज के विरोध में, वो यहां पर पहुंचेंगे और एहतियात के मद्देनजर बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहां पर लगा दी गई है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय करनाल के प्रेम नगर इलाके से देख सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की तरफ से भी अपील की जा रही है कि प्रेम नगर वाली जो मेन रोड है उस रूट पर सफर करने से दोपहर 1 से 2 बजे तक जरूर बचेगा, क्योंकि इस रूट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इस समय थाना सिटी के एसएचओ हैं। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ से? सीएम हाउस का घेराव करना है ताकि लोग इस रूट पर सफर करने से बचें। नहीं, ये है लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज कांग्रेस यूथ के यहाँ पर प्रोग्राम है और कृपया करके जो अल्टरनेट रूट है उनको फॉलो करें। बैरिकेडिंग की गई है? हाँ, बैरिकेडिंग की है जी, फोर्स अपने लगाई है और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी प्रार्थना है कि कृपया करके आराम से कानून को अपने हाथ में ना ले और आराम से अपना रोष प्रदर्शन करें। तो बिल्कुल कानून को अपने हाथ में ना ले और एहतियात के मद्देनजर इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर चारों तरफ तैनात कर दी गई है। प्रॉपर तरीके की जो बैरिकेडिंग है वो सीएम हाउस के घर के आसपास कर दी गई है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। आप देख सकते हैं कि सीएम हाउस की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, और इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की तमाम लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। करनाल में किसानों पर हुआ लाठीचार्ज, जिसके बाद आप देख सकते हैं विपक्ष भी किस तरह से सड़कों पर उतरने की तैयारी कर चुका है। करनाल की तस्वीरें देख सकते हैं, सीएम सिटी करनाल की, जहां पर मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर का निवास स्थान है और किस तरह से पूरी तरह से बैरिकेडिंग जो चारों तरफ से आपको नजर आ रही है, क्योंकि आज यूथ कांग्रेस की तरफ से, जी हां, यूथ कांग्रेस की तरफ से जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा और मुख्यमंत्री के घर का घेराव किया जाएगा। जी हां, आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है, प्रॉपर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी दोनों तरफ से आगे ना जा पाए। सामने आप देख सकते हैं कि एक बड़ा नाका लगाया गया है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है। यहां भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेड्स को बांधा जा रहा है ताकि कोई भी शख्स बैरिकेड को यहां से हिला ना पाए। हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जिस तरह से किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर जो है कांग्रेस भी किस तरह से सरकार को घेरने का काम करती हुई नजर आ रही है, बीजेपी सरकार को घेरने का काम करती हुई नजर आ रही है। और ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं करनाल के लाइन पार इलाके से, प्रेमनगर रामनगर का जो इलाका है जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का निवास स्थान है, सीएम हाउस का घेराव करने की पूरी जो तैयारी है वो जो है कांग्रेसी यूथ कांग्रेस की तरफ से कर ली गई है। 12 बजे के करीब जो है, 12:15 बजे के करीब कैथल रोड फ्लाईओवर के नीचे इकट्ठा होंगे और पैदल प्रदर्शन करते हुए सीएम हाउस का घेराव करेंगे। एहतियात के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स चारों तरफ लगा दी गई है। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। तो ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं ये प्रेमनगर इलाका है, करनाल सीएम सिटी का प्रेमनगर इलाका जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का निवास स्थान है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर का घेराव करने कांग्रेसी यूथ बड़ी संख्या में जो है मौके पर पहुंचेगा। किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर उसका विरोध करने के लिए आज बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, यूथ कांग्रेस की तरफ से यह कॉल की गई है कि 12 बजे के करीब वे करनाल के कैथल रोड वाले पुल के नीचे इकट्ठा होंगे और वहां से प्रदर्शन करते करते मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे। और चारों तरफ की आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री के घर की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बैरिकेड लगाकर प्रॉपर तरीके से सील कर दिया गया है और बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्सेस हैं वो आसपास के रास्तों पर जो है लगा दी गई है ताकि कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता इन बैरिकेड्स को क्रॉस ना कर पाए। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का निवास स्थान है करनाल के लाइन पार इलाके में, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि यूथ कांग्रेस की तरफ से आज किसानों के लाठीचार्ज के विरोध में घेराव करने की कॉल की हुई है और 12 बजे के करीब जो है किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है उसके विरोध में बड़ी संख्या में जो यूथ कांग्रेस है वो यहां पर पहुंचेगी और जमकर जो है विरोध किया जाएगा, घेराव किया जाएगा। हालांकि पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी कर दी गई है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कहां कहां पर पुलिस ने नाकेबंदी की है वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, लेकिन हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस रूट से सफर करना चाहते हैं तो वो दोपहर 2 बजे तक कम से कम इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि करनाल के लाइन पार इलाके में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो निवास स्थान है प्रेमनगर में, वहां पर सफर करने से जरूर बचेगा, क्योंकि पुलिस ने नाकेबंदी की हुई है और कांग्रेसी यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर मुख्यमंत्री के घर का घेराव करने पहुंचेंगे, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा सकते हैं।
तो ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के घर की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जी हां, पूरी तरह से सील कर दिया गया है, क्योंकि किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था उसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस मुख्यमंत्री के निवास स्थान का घेराव करने पहुंच रहा है। जी हां, यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर यहां पर घेराव करने पहुंचेंगे और एहतियात के मद्देनजर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से बैरिकेडिंग कर दी गई है, ताकि कोई भी शख्स जो है मुख्यमंत्री के निवास स्थान की तरफ ना पहुंच पाए, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। बड़ी संख्या में जहां पुलिस फोर्सेस जो है तैनात कर दी गई है, वहीं लोगों को दिक्कत जरूर आ रही है, लोगों को घूमकर जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जो भी लोग जो है इस रूट पर सफर करना चाहते हैं, वो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान जरूर रखें। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें समय करनाल के लाइन पार इलाके प्रेमनगर से देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें।